Hello to all students living peak classes Prayagraj. Myself Sunil Kumar Prajapati and you are watching a biology classes. Today we are here discuss the biology which is related to 12th standard. So 12th standard ki jo biology hai use hum aaj discuss karenge. Isse pehle hum is topic mein कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले स्टैंडर्ड लेवल की जो बायोलॉजी है उसमें 10th और 12th दोनों बोर्ड इंपॉर्टेंट हैं और उसके अलावा भी 11th और 12th नीट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो क्लास 6 to 12th की NCERT आपको अच्छे से आनी चाहिए. आइए आज हम क्लास 12th बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं और एक एक यूनिट करके डिस्कस करते चलेंगे और साथ ही इसमें जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इस यूनिट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे. तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन. यूनिट फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन. तो यानी कि आपकी जो क्लास 12th की NCERT की जो बुक्स है उसमें 5 यूनिट्स में डिवाइड है. NCERT क्लास 12th की बायोलॉजी 5 यूनिट में डिवाइड है जिसकी फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन. और ये रिप्रोडक्शन को भी 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है. जैसे कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट चैप्टर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर को यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा. इसी तरह सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ऑर्गेनिज्म जो भी जीव हैं लिविंग बींग्स उनमें रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है और रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. तो चैप्टर फर्स्ट को हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम 4 पॉइंट्स में मेनली 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है लाइफ स्पान, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइफ स्पान मीन्स होता है जीवन अवधि. क्या होता है लाइफ स्पान मीन्स जीवन अवधि, यानी कोई भी जीव होगा तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है. तो सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा लाइफ स्पान जीवन अवधि. सेकंड नंबर पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्शन जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है और यह मेनली लोअर एनिमल्स और प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं. थर्ड नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आइए देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हायर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यह लैंगिक प्रजनन जो होता है इसको अगर हम डिवाइड कर दें सब कैटेगरी में तो फर्स्ट जुवेनाइल फेज, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड सेंसेंट फेज.
तो आइए देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, यह प्रोसेस में सबसे फर्स्ट क्या आती है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को हम क्या कहते हैं, ग्रोविंग फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है शुरुआत में, और ग्रोथ होती है तो रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज तब आता है ग्रोथ के बाद, जिस समय मेच्योरिटी आती है किसी भी जीव की, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद जब उस जीव की जो सेल की ग्रोथ रुक जाती है, यानी वो हो सेंसेंट फेज कहलाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीर्णावस्था, और भी नॉर्मल शब्दों में कहें तो वृद्धावस्था। तो इस तरह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 पॉइंट्स को और ले लेते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। आइए देखते हैं 4th पॉइंट्स है इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं घटित होती हैं, या इवेंट्स मीन्स घटनाएं, यानी रिप्रोडक्शन के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो वह भी मेनली अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, और सेकंड नंबर है फर्टिलाइजेशन, थर्ड नंबर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स आप कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले, तो फर्टिलाइजेशन से पहले की जो अवस्था होती है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ये प्री फर्टिलाइजेशन की अवस्था में गैमीट फॉर्मेशन होता है, इसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहते हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गैमीट का ट्रांसफर भी होता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और सेकंड नंबर फर्टिलाइजेशन मींस जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट आगे डेवलप्स करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आइए चलते हैं, हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है लाइफ स्पान। आप जानते हैं कि कोई भी जीव हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग बींग्स हो, कुछ भी कह सकते हैं, प्रत्येक लिविंग बींग्स या प्रत्येक जीव की अपनी अपनी क्या होती है, लाइफ स्पान होती है। लाइफ स्पान मीन्स होता है जीवन अवधि, यानी कोई भी जीव है वह कितने समय तक जीवित रहेगा, यही उसकी क्या कहलाती है, लाइफ स्पान। आइए इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये एनसीईआरटी की एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन है। जब भी हम अच्छे नंबर हमें पाना होता है तो एनसीईआरटी की जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है उसको सेम टू सेम लिखते हैं, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से इसको हम और डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी में साफ और क्लियर शब्दों में दिया गया, क्लियर वर्ड में, कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कोई भी जीव होगा तो वह जन्म से लेकर के कहां तक उसकी मृत्यु होगी, नेचुरल डेथ, यानी जीव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसकी नेचुरल डेथ हो गई। तो जन्म और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है उसी को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। अब यहां पे अगर हम कह दें कोई भी जीव है वह बर्थ तो हुआ लेकिन उसके बाद अचानक एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि यही उसकी लाइफ स्पान थी? नहीं। यहां पे लाइफ स्पान को समझना है तो क्या समझना है, कि ऐसा समय जो फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ,
यानी जन्म के बाद उसकी कैसे मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है, आप एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जीव है, एक जीव का जो पीरियड है बर्थ से नेचुरल डेथ तक का ही, उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ स्पान क्या है। अब आज की डिफिनेशन से इस लाइफ स्पान को आप कभी भी अपने समय में आप एग्जाम टाइम तक भी आप नहीं भूल पाओगे। यदि एक बार आपने इसको रिविजन कर लिया, देख लिया, तो अब आपको ये हमेशा के लिए याद हो गया। इस तरह से आप बता सकते हैं कि लाइफ स्पान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स लाइफ स्पान। एकदम सिंपल से दो लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको, इस लाइफ स्पान को और भी समझते हैं कि हम आप लोग देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या? लाइफ स्पान। कोई भी जीव अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है और बहुत विशाल है, यानी हम आप समझ सकते हैं कि सिंगल सेल से लेकर के मल्टी सेलुलर सेल तक, यानी एक कोशिकीय, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, वहां से लेकर के कहां तक, तो मल्टी सेलुलर जीव तक। तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वह उसकी साइज से, उसके शेप से, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से उसकी लाइफ स्पान को डिटरमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम देखते हैं तो एक लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज इंडिपेंड ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी जीव है तो उसकी साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। क्यों? जैसे कि आप देखें पैरट, पैरट कितना छोटा, एक बर्ड्स है छोटा, लेकिन अगर आप इसकी लाइफ स्पान देखो तो 140 इयर्स होती है। इसकी लाइफ स्पान 140 इयर्स होती है, और वहीं पे अगर आप देखो इसी साइज का सेम क्या है, क्रो है, कौवा भी है उसी साइज का, लेकिन उस कौवे की लाइफ स्पान कितनी है, 15 इयर्स है। और इसी तरह से अगर आप देखें एलिफेंट, तो एलिफेंट तो अगर अपने बॉडी में, अपने साइज में, शेप में बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी इसकी लाइफ स्पान 60-90 इयर्स होती है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि लाइफ स्पान साइज, शेप और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल की लाइफ स्पान 60 इयर्स होती है, और वहीं पे टॉर्टोइस की बात करते हैं तो 100-150 इयर्स होती है। अब आप समझ सकते हैं कितना छोटा एनिमल्स है और उसके बाद भी कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, 100-150 इयर्स तक। और वहीं पे अगर आप देखते हैं रोज की, तो रोज भी 5-7 इयर्स, 5-7 वर्ष तक ही इसकी लाइफ स्पान होती है। और बनियान ट्री की बात करें तो बनियान ट्री भी 300 इयर्स तक। तो इससे हम आप लोग समझ गए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वह उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी लाइफ स्पान कितनी होगी। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया। और भी अगर देखा जाए यहाँ पे, जो सिंगल सेल के जीव होते हैं उनका कभी अंत नहीं होता है। क्यों? वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर होते हैं। और सिंगल सेल में फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सभी सिंगल सेल के होते हैं, और इनकी सेल ही लगातार डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन करती रहती है, इसलिए ऐसे जीवों का कभी अंत नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि केवल सिंगल सेल के जो जीव हैं वही केवल अमर होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है, बल्कि उनकी सेल लगातार डिवाइड होती जाती है, ठीक है। अब आइए हम डिफाइन करते हैं इसमें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन।
अब हम लोग आ गए अपने इस चैप्टर में यूनिट फर्स्ट में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रो दो वर्ड लिखे गए हैं, एक री और दूसरा क्या है प्रोडक्शन। तो अब आप इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि जो वर्ड रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, जो आपका रिप्रोडक्शन वर्ड है वो कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, कितने वर्ड से मिलकर के बना हुआ है टू वर्ड से, इसमें री मींस क्या होता है अगेन, री मींस अगेन, अगेन माने फिर से या दोबारा, और एंड प्रोडक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ड जो रिप्रोडक्शन है वह टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, री, री मींस अगेन एंड प्रोडक्शन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दस रिप्रोडक्शन लिटरली मींस टू प्रोड्यूस अगेन, यानी जो जीव है वो दोबारा उत्पन्न होगा, इसी को हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर, समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन, री और प्रोडक्शन टू वर्ड है, कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड जिसमें री मींस अगेन एंड प्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड्स। कितने अच्छे रिप्रोडक्शन लिखी गई है वन वर्ड में कि रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स, यानी रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड्स, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू इंडिविजुअल्स का क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है, और वो कैसे होता है ऑफ द सेम काइंड, अपने ही समान जीवों का निर्माण करना क्या कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। क्लियर हुआ, अब आइए थर्ड देखते हैं, पे रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये डिफिनेशन भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई है और ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी रिप्रोडक्शन को ऐसे परिभाषित किया गया है कि ये है क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। अब समझ गए जो क्या है, जो कि गिव्स राइज टू यंग वंस, यंग वंस मींस क्या होता है संतान, संतान को और क्या कह सकते हैं डॉटर, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, यहां पे यंग वंस कहें या ऑफस्प्रिंग कहें या कहीं कहीं प्रोजेनी मिलेगा, तो इस तरह से हम समझ लेंगे, या न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड, ओन काइंड अपने ही समान यंग वंश को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वह मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड है, तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नंबर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कभी भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डिफरेंस पूछने आता है क्वेश्चन में दो नंबर में कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आप डिफरेंस करेंगे। इतना तो अभी तक तो हमने जान लिया कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की क्या डिफिनीशन है, ये तो जान लिया, लेकिन अब हमें यह भी जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट इज ए रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स, यानी इट इज रिप्रोडक्शन, यह एक ऐसा प्रजनन है विच न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। यहां पे आपको क्या याद रखना है, यहां पे आपको याद रखना है सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट डिफरेंस आपको मालूम चल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स का जो डेवलप्स होता है कहां से होता है, ओनली सिंगल पेरेंट से होता है,
इसमें टू पेरेंट्स नहीं होते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट्स होते हैं। और सिंगल पेरेंट्स होंगे तो आप समझ गए कि न्यू इंडिविजुअल्स का डिवेलप हो रहा है तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है कि न्यू इंडिविजुअल्स डिवेलप्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, यानी एक न्यू इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है किससे, ओनली सिंगल पेरेंट्स से हो रहा है, ओनली सिंगल पेरेंट से हो रहा है। ये फर्स्ट डिफरेंस मिला। अब सेकंड डिफरेंस की बात आती है तो द इंडिविजुअल्स डेवलप्स इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। सेकंड डिफरेंस यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने पेरेंट्स के एकदम क्या होते हैं, टू कॉपी होते हैं। जैसे हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं ना तो किसी एक पेज की फोटो कॉपी कराते हैं, उसी की एग्जैक्ट दूसरी फोटो स्टेट वाली कॉपी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से यहां भी अगर एक सिंगल पेरेंट्स है तो इट इज द इंडिविजुअल डेवलप्स इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट कॉपी के समान ही न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये सेकंड हो गया आपका डिफरेंस। सेकंड क्या हुआ डिफरेंस, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होती है न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक, अब आइए जो आपके कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में वन नंबर में टू नंबर में शॉर्ट नोट में भी ये पूछा जाता है कि डिफाइन योर क्लोन। क्लोन क्या है, कैसे हम समझें क्लोन क्या है, तो यह क्लोन की सिंपल डिफिनेशन दी गई है कि द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स क्लोन। अब हम समझ गए होंगे कि यह भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफिनेशन निकल के आई कि केवल सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या है कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। तो हम कह सकते हैं कि देखने में भी और अंदर से भी, तो बाहर से अगर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, तो क्लोन का डिफिनेशन यहीं से मिल रही है कि द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स क्लोन। तो क्लोन तो समझ में आ गया कि क्लोन विज़न क्या हो सकती है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स क्लोन। क्लियर, अब देखिए अब ये क्लोन है तो सबसे पहले इस क्लोन का निर्माण किया गया होगा, तो जो सबसे पहले क्लोन बना है उसका नाम क्या है, डॉली। और डॉली क्या है, फिन डोरसेट लैम, मींस कह सकते हैं कि एक भेड़ का बच्चा है। ठीक है, और एक भेड़ के बच्चे को जो नाम दिया गया है डॉली, और वो किससे तैयार किया गया है, क्लोन से तैयार किया गया है। और उस क्लोन को आपने समझ लिया कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स क्लोन। तो डॉली एक एग्जांपल है जो सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया है। डॉली है क्या, यहाँ पर ऐसे भी कंडीशन में क्वेश्चन आते हैं कि डॉली एक भेड़ का बच्चा है जिसे आप मेमना कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लोन हो गया। अब नेक्स्ट है कि सिंस देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, हम समझ रहे हैं कि पहले ही लाइन हमें मिल गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग्स या न्यू इंडिविजुअल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ओनली सिंगल पेरेंट से होता है। अगर सिंगल पेरेंट से होता है तो क्या है, ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने ही प्रकार के एकदम एग्जैक्ट कॉपी का न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस देयर नो गैमेट फॉर्मेशन, जब केवल सिंगल पेरेंट से ही है तो वहां कहां गैमेट बनेगा,
सिंगल पेरेंट्स में गैमेट्स नहीं बन रहे हैं। अगर वहीं पे डबल पेरेंट्स होते तो एक मेल होता है और एक फीमेल होता, मेल से मेल गैमेट बनता और फीमेल से फीमेल गैमेट बनता। तो जब गैमेट बनते तो उन गैमेट्स का क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता, तब उसके आगे की प्रोसेस होती जायगोट बनने के बाद। लेकिन यहाँ तो केवल सिंगल पेरेंट्स है ना। अगर सिंगल पेरेंट्स है तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि नो गैमेट फॉर्मेशन। सिंगल पेरेंट्स हैं तो नो गैमेट फॉर्मेशन। और क्या है, फर्टिलाइजेशन इज आल्सो अब्सेंट। फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स हैं, गैमेट बन नहीं रहा। जब गैमेट बनेगा नहीं तो नो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन आल्सो अब्सेंट। जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब उसके बाद लास्ट में दिया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन प्रिमिटिव एनिमल्स सच एज, हमने बता दिया ना कि जो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो जीव होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो जीव होते हैं वो लोअर एनिमल्स आर लोअर प्लांट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटोजोवंस जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, ठीक है, तो ये सभी प्रोटोजोवंस के, और स्पॉन्जेस, साइकान, यूप्लेक्टेला, ये सारे स्पॉन्जेस में आते हैं। एंड सिलेट्रेट्स, हाइड्रा, आपने सुना होगा हाइड्रा, अरेलिया, ओवेलिया, जेलीफिश, ये सभी क्या हैं, लोअर एनिमल्स हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज तो आज क्लियर हो गया कि अगर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना हो तो ये हम कई पॉइंट्स में इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोट्स बनाते चलें, जिसके बाद मैं और भी नए वीडियो डालता चलूं। तो इसी के साथ ये क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। और लास्ट में मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैं सुनील कुमार प्रजापति, मैं आपके हरदम साथ रहूंगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये कमेंट मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं। मेरे इन वीडियोस को आप खूब सारा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सूचना पहुँचे। थैंक्स अलॉट। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।